हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और दो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं जो आपके पिछले ईयर के एग्जाम से रिलेटेड थे। तो फिलहाल आज के प्रैक्टिस सेट पे फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन आपके पास हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब। यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे, यानी अकबरनामा की रचना जिसने की थी उनके लेखक कौन है। बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी या कैबी खां। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, सॉरी स्वीकार किया था। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, यानी एक्सेप्ट किया था। अवध, मैसूर, पूना या तंजोर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। रंगून, ग्वालियर, आगरा या दिल्ली। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है वर्षा व चक्रवात के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11वां सूत्रीय चेतावनी पत्र दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। स्टेटमेंट है पहला रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ जो आपका पहला स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है ये दोनों सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसके भी यहाँ पे पहला तीसरा सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, यानी चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग बंद करना पड़ा था। फैपुर में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या रायबरेली में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की, जीके गोखले ने, राजगोपाल चानी ने, वीर सावरकर ने या अरुणा आसफ अली ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग्स। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। आपने देखा होगा जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है तो उसके साथ मिट्टी भी आती है, तो किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जम जाती है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीना शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है, डेनमार्क में, स्कॉटलैंड में, फ्रांस में या इटली में। यहाँ ये जो शहर है वेनिस शहर ये इटली में स्थित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, वार्षिक वर्षा, कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन या साइबेरियाई मैदान। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 12, 24, 48 या 6। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 24, 24 समय क्षेत्र है कुल टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक कौन सी है, 1, 2, 3 या 4। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिटकॉइन क्या है, आजकल आपने बहुत ज्यादा एड देखे होंगे बिटकॉइन को, जिसमें ये होता है कि पैसे लगाइए और
पैसे अर्न कीजिए। तो बिटकॉइन होता क्या है? डेटा संग्रहित करने की डिवाइस, सॉरी ये बिटकॉइन की बात कर रहा है, बिटकॉइन की नहीं, वही वही सेम मीनिंग है बिटकॉइन का, सेम ही इसका अर्थ है। तो ऑप्शन आपके पास डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस, डेटा मापने की एक इकाई, चिप्स के बारे में एक नियम, या डिजिटल मुद्रा का एक रूप। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डिजिटल मुद्रा का एक रूप। यहाँ आप डिजिटलाइजेशन के थ्रू, यानी आप ऑनलाइन पैसा लगाते हैं, जैसे भी इसका प्रोसेस हो मुझे पता नहीं है, लेकिन बिटकॉइन में ये होता है कि आपको पैसे अर्न करने का एक मौका मिल जाता है, तो पैसे उसमें लगाने होते हैं, फिर आपको जो भी अर्निंग होगी वो आपको मिलेगी। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1977, 1947, 1965 या 1969। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1941, 1940, 1937 या 1935। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1935 में। आपको कमेंट करके बताते भी जाना है, खुद एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कर पाए, क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन देखता कह रहा है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, या राज्यों के लिए अनुदान। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रक्षा व्यय, ये शामिल नहीं है केंद्र सरकार के विकास व्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15 या 17। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है, यानी किसकी समानता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और अविश्वास की, हैसियत और अवसर की, विचार और अभिव्यक्ति की, या अवसर और अभिव्यक्ति की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। आपको ये खुद ही आंसर देना है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, या राज्य। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मल्होत्रा समिति, नरसिंहन समिति, राघवन समिति, या स्वर्ण सिंह समिति। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, या 15 जून 1952। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 मई 1952, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, या नेत्र रोग। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है शिशु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि लिटमस विलय, यानी लिटमस का जो विलयन बनाया, विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है, जिससे किसके बारे से प्राप्त, यानी लिटमस विलय, सॉरी लिटमस विलय जो होता है एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? ट्रिसिया, फ्यूरेनिया, लाइकेन, या हाइड्रेजिया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? यानी अगर जल को हम तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे? संघनन और उत्पादन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, उत्पादन और वाष्पीकरण, या स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फैदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, या पेरिस्कोप। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? फैदोमीटर। फैदोमीटर उपकरण का हम प्रयोग करते हैं सागर की गहराई को मापने के लिए। फिर कह रहे हैं कि बार किसकी इकाई है? ताप की, तापक्रम की, बिजली की, या वायुमंडलीय दाब की। यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, अपना आंसर आप मैच कर लीजिएगा। मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं बाद में आपको रिपीट कराऊंगी, बाद में सॉल्व कराऊंगी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर आएगा, और जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन है,
ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 67। आपको वीडियो को बीच में स्टॉप करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनका आंसर भी फाइंड आउट करना है। और जो 34 नंबर है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 510। और जो 35 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 860। फिर कह रहे हैं कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद कीजिए, इति प्लस आदि, तो इति प्लस ई का या किसमें बन जाता है, यड़ संधि में, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, नाक का बाल होना यानी बहुत अधिक परेशान करना, ऑप्शन आपके पास अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना, अधिक परेशान करना यानी कष्ट देना, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, वो क्या, उसके लिए एक शब्द क्या हम प्रयोग करेंगे, गोचर, गोचर, स्वानुभूति या अनुभूति, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा गोचर। फिर कह रहा है कि बाधा कौन सा शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है स्त्रीलिंग। कहते नहीं बाधा आ गई, इस काम को करने में बहुत बाधा आती है, तो ये कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। फिर कह रहे हैं कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, घोड़ा, घोटक, कटक या है, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कटक। कटक कंटक को कहते हैं, यहाँ है, घोटक, घोड़ा, ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। फिर आपको एक पद दिया हुआ है, सॉरी गद्य दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे रीड करके आपको आंसर देने हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीनतम काल से ही मिलती है, अथर्ववेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान है, एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़, हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है, इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं, अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है, सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, भूमि माता और हम उनकी संतान, इस कथन का चरितार्थ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहे हैं कि हम पृथ्वी की संतान हैं, हम से तात्पर्य क्या है, संसार के सभी लोग, हम सभी नागरिक, एक खास देश के लोग या हम भारतवासी, यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संसार के सभी लोग। फिर कह रहा है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन आवरण, परिधन आवरण कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं या पृथ्वी से बुरा व्यवहार करते हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ क्या है, हटा, बचा, निपटा या तैरा, उबरा मतलब होता है निपटा जा सके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय क्या है, बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना या चरित चित्रण करना, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सिद्ध करना, चरितार्थ करना यानी सिद्ध करना। फिर आपको एक दिया हुआ है पैसेज जिसे रीड करके आपको आंसर देना है। कह रहा है गरजते घन घनन घन घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कह रहा है बेसुध है मन, कहकर कवि बताना क्या चाहता है, कि मन गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है या मस्त हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा मस्त हो जाता है, यानी मन मस्त हो जाता है, बेसुध है मन। फिर कह रहा है खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं, क्योंकि सुबह हो गई है, नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि खेतों को जब पौधों को जब पानी मिलेगा तो क्या होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं गरजते घन घनन घनन घन घन में अलंकार कौन सा है, रूपक, श्लेष, उपमा या अनुप्रास, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास है। फिर कह रहे हैं मन की उपमा किसके किससे दी गई है, मोर से, सावन से, बादलों से या वर्षा से, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है, मोर से सही दी गई है, पहले ही लाइन में दिया गया है। फिर कह रहे हैं लिपट कर सो गया सूरज का भाव क्या है, कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, नींद में है या खो गया है, तो सूर्य क्या है, बादलों में छिप गया है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपको करना है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन,
अप्रूव क्या है, एक वर्ब है जिसको आपको नाउन में चेंज करना है, अप्रूविंग, अप्रूवल, अप्रूव्ड या अप्रूव्स। तो यहाँ जो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रूवल क्या है, एक नाउन है, जबकि अप्रूव की बात करें तो एक वर्ब है। फिर आपको एक पैसेज रीड करने के लिए दिया गया, ये इंग्लिश में है। इसमें कह रहा है देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, दोज इनॉर्मस क्रिएचर्स ऑफ द सी। Which are the largest of the animals remaining in the world? To protect the whales from the cold of the Arctic seas, nature has provided them with a thick covering of fat called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil, which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield oil, but none so much as the whale. The liver of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nursing oil. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it. For it is used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetables and animal products and the oils of certain flowers. यहाँ oils की बात की गई है कि oils हमें mainly तीन तरह से मिलता है, पौधों से मिलता है और vegetables से मिलता है और animals से मिलता है। तो यहाँ whale से बहुत अधिक मात्रा में, अगर हम animals oil की बात करें तो whale से अधिक मात्रा में मिलता है, तो यही बताया गया है। यहाँ कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज फिश, व्हेल, सी सीड्स या प्लांट्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, व्हेल आपका जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल है। फिर कह रहा है कि वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर ईटिंग, कुकिंग, फ्राइंग या लुब्रिकेटिंग। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम मेनली कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का, जैसे कि सरसों का तेल हो गया। फिर इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। द फिश ऑफ फिश यील्ड्स नर्सिंग ऑयल्स, लीवर, स्टोमक, आइज या हेड। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ स्किन, सेल्स, ब्लबर या फिन्स। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्लबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे यदि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखा जाए तो एक तर्कसंगत क्रम बन जाएगा, कौन सा, सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध या न्याय। सबसे पहले अपराध होगी, फिर गिरफ्तार होगी, फिर जेल होगी, फिर सजा होगी, फिर क्या हो गया, फिर सॉरी, पहले आप अपराध करते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अपराध करने के बाद आप गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद जेल जाते हैं, जेल होने के बाद आपको न्याय मिलता है। न्याय, पहले अपराध होता है, फिर गिरफ्तार होता है, फिर उसके बाद आपको न्याय होती है, फिर सजा होती है, फिर जेल होती है। तो ये आपका राइट क्रम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी पहले आप अपराध किए, फिर उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, फिर आपको न्याय दिया गया, यानी अगर आपने सजा की, अपने अपराध किया है तो आपको सजा मिली, फिर जेल हो गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए बी सी डी और ई पांच नदियां हैं, ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है, यदि डी बी से कुछ छोटी और ए से कुछ बड़ी हो तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ही सॉल्व करना है, सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में बाद में सॉल्व कराऊंगी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर मैं बताया दे रही हूँ, आपको सॉल्व करके इसे मैच कर लेना है। और जो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भतीजी। इसमें कह रहे हैं असंगत का चयन कीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपको ये सॉल्व करने में। इस वजह से बता रही हूँ आंसर, क्योंकि अभी मैं इन्हें डिस्क्राइब नहीं करूंगी, मैं बाद में मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और जो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2030, 2032, 2028 या 2035। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2030। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया, असम, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है, पटना, रांची, लखनऊ या प्रयागराज। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें कह रहे हैं कि शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया। वे क्या थे? चित्रकार थे, एस्ट्रोफिजिस्ट थे, इतिहासकार थे या गायक थे? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, एस्ट्रोफिजिस्ट थे, फिजिसिस्ट। फिर कह रहा है कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी TPDDL के आधिकारिक ब्रांड शुभंकर यानी ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? जिज्ञास, नेत्र, रानी या रोशनी? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौर का नाम क्या है? निगार, सितारा, अश्मि या नक्श? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा हो जाएगा? अश्मि हो जाएगा, यहाँ इसी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में खोजी गई किस नई प्रजाति का नाम पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरवानी के नाम पर रखा गया है? मेढक, मकड़ी, तितली या फ्रूट फ्लाई? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पीरियड से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद यानी सभी प्रकार के प्रोडक्ट को मुफ्त वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्कॉटलैंड। फिर कह रहा है कि दादूपुर रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है का नया नाम क्या दिया गया है? महादेवप्पा स्टेशन, माँ बारावी देवी धाम स्टेशन, सिद्धरुद्धा स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन? तो यहाँ आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ बारावी देवी धाम स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या 29 नवंबर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ आपको एक पैसेज दिया हुआ है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यानी पंक्ति तो हमने पढ़ ली, किस नृत्य के बारे में कह रहा है? चरकुला नृत्य, ख्याल नृत्य, रासलीला नृत्य या रामलीला नृत्य? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चरकुला नृत्य। फिर कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 25 फरवरी को? यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 फरवरी को। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेम शेक पुस्तक के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ, झुंपा लाहिरी, किरण देसाई या शोभा डे? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा झुंपा लाहिरी। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, जान बर्दीन या लिनुस पाउलिंग? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जान बर्दीन। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिल्म? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फिल्म हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक या चार मिट्टी के बर्तन? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, तेल के दीपक। अभी हमने जो पैसेज पढ़ा था इससे पहले कुछ पंक्तियां पढ़ी थी वो इसी से रिलेटेड थी। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, इटली, स्पेन या यूनान? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 16वें, 14वें, 12वें या 11वें? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14वें राष्ट्रपति हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेनानिवृत्त होते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्दर के जो 20 क्वेश्चन थे वो मैथ से रिलेटेड थे और मैंने आपको पहले ही बताया मैथ के क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी, इस वजह से मैंने 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। फिलहाल हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मोटिवेटेड और बहुत इफेक्टिव कंटेंट आपको मिलेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके एग्जाम पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।